नमस्कार। माँ ममता और माटी का महापर्व छठ पर्व आज अपने प्रकाष्ठा के अंतिम चरण पे, जो जो संध्या वेला होता जा रहा है, सूर्य अपने अस्त की ओर बढ़ती जा रही है, त्यों ही पूजा का आरंभ होता है। अद्भुत चारों तरफ प्रत्येक लोग रंग बिरंगे कपड़ों में अपने अपने संस्था के साथ यहाँ पहुंच चुके हैं। हर तरफ प्रत्येक बच्चे, प्रत्येक युवा, सीनियर सिटीजन, क्या बच्चे हो, क्या बड़े हो, क्या बुजुर्ग, सब में एक ही आस्था, एक ही शुद्धता। प्रत्येक व्यक्ति अपने श्रद्धा सुमन को चढ़ाने के लिए ललाई बहुत ही खूबसूरत, चारों तरफ जोश का वातावरण। क्या बच्चे, क्या जवान, क्या बूढ़े, प्रत्येक व्यक्ति यहां पर देखें, घाट पर प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने ईख को लगाकर पूजा आरंभ करने जा रहे हैं। घाट पर आने वाले सभी ये आप लोग क्या कर रहे हैं? आग्रह है मेरा कि अगर आप छठ पूजा का व्रत लोक गीत आता हो, आज क्या है, यहाँ सरमाने की कोई बात नहीं, कोई बेटा, कोई भाई, कोई भतीजा, सब कोई अपने हैं। अच्छा नहीं लग रहा है, एक अपनापन, प्रेम, भाईचारा से पूरा भरा हुआ प्रत्येक जगह, रंग बिरंगे कपड़ों के साथ प्रत्येक व्यक्ति श्रद्धा सुमन को ज्यादा पानी के ज्यादा अंदर जाने की कोशिश नहीं करें कृपया। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत कम मात्रा में सुविधा है आपको बचाने का, इससे ज्यादा अंदर नहीं जाए। सबसे आग्रह है, क्या बड़ा हो क्या छोटा, छोटे से छोटे बच्चे अपने पूर्ण ऊर्जा के साथ, काफी खूबसूरती के साथ प्रत्येक व्यक्ति अपने छठ के अर्घ को अपने सर पर लेकर आ रहे हैं। कितनी पवित्रता, खाली पैर बिना चप्पल कर इस कटीले पथरीले भूमि पर सर पर छठ का अर्घ उसी शुद्धता के साथ। वास्तव में यह शुद्धता, पवित्रता और आस्था का महासंगम है। यह धीरे धीरे बिहार, उत्तर प्रदेश से बढ़ते हुए विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करता हुआ जा रहा है। यह इस छठ पूजा की महानता है, इसकी गरिमा है, इसकी ख्याति है। आज यह बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बंगाल से उठकर पूरे विश्व में इस छठ की महिमा गाई जाती है। अभी आपको मैं ऐसे कुछ कर्णभेदी संगीत सुनाता हूं जिसमें न कोई राग होता है, न ही कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बस एक दिल से निकलती है आवाज और मातृत्व की भावनाओं के साथ, दूसरे दिल को चीरती हुई भावनाओं के साथ अंदर दिल में उतर जाती है। बोलिए छठी मैया की जय, प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय। Yeah!
इसी के साथ अर्क देने का कार्यक्रम आरंभ हो चुका है। अद्भुत अद्वितीय कार्य श्रद्धा विश्वास अभिनंदन करता है। अगर किसी भी प्रकार का इमरजेंसी हो तो वैसी स्थिति में हार्दिक अभिनंदन करता है। धन्यवाद काका, अपना बहुमूल्य समय के लिए लोग तैयार हैं। साथ ही साथ प्रत्येक व्यक्ति को यह आदेश या निर्देश दिया जा रहा है कि वह पानी के अंदर ज्यादा न जाए। चारों तरफ सूर्य भगवान भी मानो आंख मिचौली का खेल खेल रहे हो। बादल में छुपकर मानो आंख मिचौली का खेल खेल रहे हो। चारों तरफ प्रत्येक व्यक्ति का चेहरा श्रद्धा अपनापन प्रेम से भरा पड़ा। यो सूर्य भगवान पुनः बादल से निकलकर ऐसे देख रहे हैं मानो सोच रहे हैं कौन कौन से व्यक्ति अर्क दे दिए या किनका इनका अर्क बाकी है। कितना अद्भुत अद्वितीय सुंदरता। हर जगह तिथि धीरे धीरे कर आना आरंभ कर चुके हैं। यहाँ पे कोई भी आडंबर नहीं। प्राकृतिक ममता मिट्टी और माँ का पूजा है। अब मैं यहाँ कुछ लोग जो हैं मैं उनसे बातचीत करता हूँ और वो बताएंगे इसके बारे में। सर प्लीज सभी छठ पूजकों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सनातन संस्कृति के माध्यम से या संस्कृति के आधार पर ये छठ पूजा का आयोजन यहाँ हो रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि माँ ममता और मिट्टी का ये पूजन आप सभी लोग भाव से बड़े भक्ति भाव से कर रहे हैं। दूर ऊपर जाइए, पटाखा बजाने के लिए ऊपर जाइए। और इस तनाव का अगर किसी का नीचे पटाखा बजाते हुए मैं पकड़ूं तो सीधा पटाखा जब्त करूंगा। सीधा आप लोग ऊपर चलिए रोड पर और नीचे नहीं। भूतपूर्व मंत्री बाड़ा बाबू बेगड़े उनके बहुत ही सहयोग से तनाव का निर्माण पूरा हुआ और बहुत आनंद होता है कि ऐसी जगह में ये मिट्टी का पूजन जल का पूजन हो रहा है। सूर्यदेव के डूबते हुए सूर्यदेव के सामने ये सब बहुत ही सनातन धर्म अंत्यदान देके जलदान देके हो रहा है। बहुत आनंद आता है। धन्यवाद सर, आपने अपने आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और सूर्य की महिमा, प्रकृति की महिमा, मिट्टी की महिमा, माँ की महिमा आप लोगों ने जिस तरह से उजागर किया गाया यह वास्तव में सराहनीय नहीं वंदनीय भी है। अद्भुत अद्वितीय अकल्पनीय महापर्व का शंखनाद हो चुका है। प्रत्येक जगह प्रत्येक लोग मिट्टी से जुड़ते जा रहे हैं। इसी कड़ी में मैं एक और माँ से बातचीत करवा रहा हूँ जो अपनी श्रद्धा सुमन शब्दों के साथ आपके सामने रखने का सफल प्रयास करेंगी। छठी मैया की जय हो। महाराष्ट्र में बाटी और हमके ऐसा महसूस होता है जैसे लगता है हम यूपी में बाटी या बिहार में बाटी। यहाँ पे रौनक देख के एकदम नहीं महसूस होता कि हम इतना अच्छा त्यौहार मनावल जाता है। यहाँ पे आप भी देख सकेली इतना बढ़िया से सारा प्रोग्राम बहुत बाटा है और धीरे धीरे लोग यहाँ पे बहुत बाटा है।
पहले 8-10 परिवार आवता है, आज के टाइम में कम से कम संख्या बढ़त गई है। और इतना अच्छा लगा था और इतना आनंद आवा था कि हमें पास दोनों शब्द नहीं बाटे, जितनी तारीफ करूं कम पड़े। छठी मैया की जय। धन्यवाद। अद्भुत अद्वितीय वास्तव में ममता माटी और माँ का अद्भुत संयोग महापर्व। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं शैलेंद्र जी से बातचीत करता हूँ। वास्तव में शैलेंद्र जी वह व्यक्ति हैं जो कैमरा के पीछे में रहकर हमेशा ही ऐसे कार्यों का संपादन करते हैं। वास्तव में मैं इनसे लगभग 3-4 साल पहले से जुड़ा हुआ हूँ। जिस समय 1-2 आदमी यहाँ पर पूजा करते थे उस समय से ये है और यह इनका सपना था। आज मैं इस तरह से सपना को बढ़ते हुए देखते हुए मैं इनसे बातचीत कर रहा हूँ। इनका क्या सपना था और कितना ये पहुंच चुके हैं, आगे क्या सोच रहे हैं। सलन जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। हम लोग तो निमित्त मात्र हैं, छठ मैया की कृपा है, सब उनकी कृपा से होता है। हम लोग तो सब एक साधन मात्र हैं और हम लोग कुछ करते नहीं है, माँ करवा लेती है। सब उनकी कृपा है, उनकी कृपा सब हो रहा है। और छठ मैया करें कि आगे और अच्छे से हम लोग करें और सक्षम बनाएं हम लोगों को कि और बड़ी बृहद रूप में इसको कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और बहुत से लोगों को हम लोग यहाँ पे जोड़ पाएँ। तलेगाँव दबारे उसके आसपास के लोग हैं, ये तलेगाँव जो शहर है छोटा सा, प्रकृति की देन है और प्रकृति द्वारा निर्मित यह तालाब और इसकी छठा अपने आप में एक अपूर्णीय है। और यहाँ पे छठ पूजा आप देख ही रहे कितना रमणीय लग रहा है। और मैं आशा करता हूँ, सबसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अगली बार अगर आप आ सके तो प्लीज हमारे इस घाट पे आइए और छठ पूजा कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर, कितना खूबसूरत शब्द। हमारा कहीं भी मेरा नहीं होता, हमारा होता है। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति पार्टी जाति धर्म से ऊंचे उठकर केवल उनका एक ही सोच होती है, एक ही उद्देश्य होता है कैसे माँ का पूजा किया जाए। प्रत्येक व्यक्ति यहाँ से कोई भी पार्टी, कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कुछ भी नहीं, प्रत्येक व्यक्ति केवल श्रद्धा सुमन चढ़ाने के लिए, अपना एक फूल का पुष्प चढ़ाने के लिए ललायित है। और सूर्य भगवान धीरे धीरे अस्त की ओर बढ़ते हुए इसी चरण में मैं अंशु जी से भी बातचीत करता हूँ। अंशु जी प्लीज दो शब्द आपका। सूर्यास्त का समय 5:57। जय हो छठी मैया की। 57 मिनट सूर्यास्त का समय है, इसलिए अभी है वो बहुत सारा टाइम है आपके पास। सूर्यास्त का समय 5:57 मिनट बधाई हो और हार्दिक शुभकामनाएं। निर्जला व्रत 36 घंटे का सबसे कठिन व्रत जो प्रकृति को साधक मानकर करते हैं और वैदिक काल से चला हुआ यह पर्व जिसको माँ सीता ने या द्रौपदी ने किया था, उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ये परंपरा पूर्वांचल की परंपरा को बावल की धरती पे अपने अपने के एक जगह एकत्रित होकर कर रहे हैं। ये बहुत ही अभिमान का विषय है और छठ पूजा को सफल बनाने के लिए उसको किया। माँ ममता और मिट्टी का अद्भुत पर्व महापर्व छठी माई छठ पर्व। आइए यहाँ पर हम बातचीत करते हैं किस तरह से निर्जला व्रत 36 घंटा का बिना पानी के साथ लोग इस व्रत को कर रहे हैं। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है, इस पर्व की सबसे बड़ी खासियत प्रत्येक व्यक्ति की गान। माननीय श्री गिरीश खेर काका का अभिनंदन करता है और मैं इनको बोलूंगा कि काका का अभिमान करें। सीधा करो काका, कृपया सामने आइए, आगे से काका, आगे से, आगे से। अभी रहेंगे काका, रहेंगे रहेंगे।
आज इस महापर्व पर बीके साहब ने खैर साहब को सम्मानित करते हुए एक अद्भुत सम्मान साल के द्वारा, सिरफल के द्वारा देकर उन्हें सम्मानित किया। यह वास्तव में हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें हम प्रत्येक व्यक्ति में जो आत्मा है उसमें परमात्मा का अंश समझते हैं और उन्हें सम्मानित करते हैं। काफी खूबसूरत। यदि आप सुरक्षा की बात करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर जीवन रक्षा से लेके प्रत्येक चीज रखी हुई है, फर्स्ट एड। अगर किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने की संभावना नजर आती है या फिर किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो वैसे स्थिति में यह छठ पूजा समिति ने हर चीज का बारीकी से अध्ययन करते हुए प्रत्येक चीज का अरेंजमेंट किया है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लाइफ जैकेट, फायर एक्सटिंग्विशर, फर्स्ट एड, प्रत्येक चीज का सुमचित व्यवस्था, अद्भुत अद्वितीय। वास्तव में यहाँ के लोगों ने ऐसा अरेंजमेंट किया है कि यदि आपको किसी भी प्रकार की असुविधा हो तुरंत यहाँ पर आए, संपर्क स्थापित करें और सहायता लें। बड़े हों या बुजुर्ग हों, बच्चे हों, प्रत्येक व्यक्ति अपने फुल पूरी ऊर्जा के साथ, और प्रत्येक व्यक्ति चाहते हैं अपनी श्रद्धा सुमन जितना जल्दी हो सके सूर्य नारायण को चढ़ाया जाए। वास्तव में यह डूबते हुए सूर्य की पूजा है और कल उगते हुए सूर्य की पूजा होगी। इसके अंदर की फिलॉसफी यह है, यदि कोई भी व्यक्ति यदि गिर जाता है तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि वो उठ नहीं पाएगा। हमारे लिए दिशा महत्व नहीं रखती, हमारे लिए सूर्य महत्व रखता है, भगवान महत्व रखते हैं, उसके सामने दिशा की कोई औचित्य नहीं। कितना अद्भुत, अद्वितीय, खूबसूरत। अगर आप किनारे में देखते हैं तो नगर पालिका के लोग अपनी पूरी साग सज्जा के साथ, सारे सामान के साथ तैयार हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी दुर्घटना ना हो, क्योंकि यहाँ बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं। किसी कारणवश अगर पैर स्लिप कर जाए, तो वैसी स्थिति में वह उन्हें बचाने का पूरा प्रयास करते हैं। आइए मैं इनसे ही बातचीत करता हूँ, ये कौन है और इनका कार्य क्या होता है। प्लीज सर। देखिए सर, इधर जो है पूजा के लिए जो लेडीज और बच्चे जो आ रहे तो इधर पैर घसर के पानी में इधर गिरने का धोखा है, अंदेशा है। और ये जो तालाब का जो पानी है ये खोल है, यानी इसकी गहराई बहुत है, इसलिए इधर सतर्क रहना पड़ता है। तो हम जो है इसलिए सतर्क है, ये कोई प्रकार का इंसिडेंट ना हो। ओके, धन्यवाद सर। कहने का तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति अपना पूर्ण तैयारी के साथ, साग सज्जा के साथ किसी भी प्रकार का, घटना ना घटे। यह चेंजिंग रूम है जहां पर माता बहने छठ में अर्क देने के बाद कपड़ा चेंज करने के लिए एक खूबसूरत व्यवस्था। जो ही आप गेट के अंदर प्रवेश करते हैं, पास ही शौचालय की समुचित व्यवस्था, यदि कोई माँ बहन या फिर कोई सीनियर सिटीजन अगर किन्हीं को लघु संख्या या दृढ़ संख्या महसूस हो तो उनके लिए एक खूबसूरत व्यवस्था। पहले ये सॉरी उनका सत्कार जो हमारी सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है, प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान देना। अभी सर से मैं बातचीत करूंगा दो शब्द। अपने बच्चों को भी अंदर न जाने दे, पानी बहुत गहरा है। आज तलेगांव में ऐतिहासिक ऐसा ये तलेगांव का तला है, उसमें आज हमारे उत्तर भारतीय छठ पूजा
बड़े आनंद से कर रहे हैं। दिन भर उन्होंने उपवास रखा है और सूर्यदेव का पूजा बहुत मन से कर रहे हैं। उनको सबको मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर, काफी अच्छा लगा आप अपने शब्दों के द्वारा लोगों को जो स्नेह प्रेम जो दिया है, वास्तव में यह अमूल्य है। चलो थैंक यू, बहुत आगे जाओगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, छठ पूजा का संगीत, इसमें किसी भी प्रकार का म्यूजिक नहीं होता। हर व्यक्ति का संगीत दिल से निकलता है और दिल को छू जाता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं मैम से बातचीत करने जा रहा हूं। आप अपने स्वर से माँ के गाना को सजाने का प्रयास करेंगे प्लीज। आस पास में ना करें, घाट के रोड पे जाके बहुत सारा जगह है, वहाँ पे आतिशबाजी कर सकते हैं। जय गंगा मैया के झीले मिली पानिया नैया के वाले माला, नैया के वाले माला। जे ताई नाइए उतरले माँ देवाए गौरा देई के साथ, ए गौरा देई के साथ। उनका गोदिया में झलकाने गणपति पुत्र छठी होई परसन। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया गाई है, बहुत अच्छा। धन्यवाद, काफी खूबसूरत संगीत, मानो मिट्टी से उपजा हुआ ऐसा संगीत जो दिल से निकला हो और दिल की अंतःकरण को छू जाता हो। ऐसा अद्भुत अद्वितीय जमी से जुड़ा हुआ संगीत बहुत कम ही सुनने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इतना खूबसूरत संगीत जो माटी से जुड़ा हुआ हो
एक माँ की भावनाओं को प्रदर्शित करता हुआ इतना अद्भुत, अद्वितीय, अविश्वसनीय, अमूल्य संगीत। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इसी सिलसिला को बढ़ाते हुए मैं एक ऐसे सीनियर व्यक्ति, ऐसे वरिष्ठ नागरिक से भेंट कराने जा रहा हूं जो बिहार मधुबनी से आए हैं। आइए उनकी दिल की बात, जो छठ के बारे में क्या है। अक्सर यहाँ पर जो बातचीत होती है दिल की, वो दिल से निकलकर दिल को छू जाती है, क्योंकि मां ममता और माटी का महापर्व है। ये छठ पर्व आजकल से चला रहा है और ये पवित्रता पर ही निर्भर है। और इसमें तो ऐसा हम देखते हैं कि हर पूजा में पंडित का जरूरत पड़ता है, लेकिन इसमें जितने पूजा करने वाली हैं सभी पंडित ही बुझाएगा। और ये सूर्य भगवान का अर्घ है। ये सूर्य भगवान दो रूप में हैं, गायत्री। ये सूर्य भगवान दो रूप में हैं, गायत्री और सावित्री। ओम भूर्भुवस्व सत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात्। अभी गायत्री का है, शाम में गायत्री रूप में है सूर्यदेव भगवान, और सुबह का जो अर्घ होता है उगते हुए सूरज का, वे सावित्री रूप में रहते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत खूबसूरत। अच्छा, अभी यह मनीष श्रीवास्तव जी का सम्मान किया जा रहा है। वास्तव में यह सम्मान एक आत्मा के द्वारा दूसरे आत्मा की सम्मान, परमात्मा के सम्मान के जैसा है। धन्यवाद सर। सर दो शब्द बोलेंगे छठे मैया को, सबको सबको हार्दिक शुभकामनाएं सबको। यही सबसे ज्यादा है बिहारियों का, उत्तर भारतीयों का सबसे महत्वपूर्ण पर्व ये है। धन्यवाद सर, आपका आना काफी अच्छा लग रहा है। धन्यवाद अंशु जी, काफी खूबसूरत। प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान करने की ये हमारी भारतीय संस्कृति की जो परंपरा है अद्वितीय है। सर दो शब्द। जय चैतन्य। या छठ पूजेच्या निमित्ताने मी सर्व उत्तर भारतीय बांधवांचं, भगिनींचं या छठ पूजेच्या निमित्तानं सर्वांचं स्वागत करतो। आणि या छठ पूजेला तळेगाव दाभाडे शहर भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने खूप खूप शुभेच्छा देतो। या ठिकाणी थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद सर। वास्तव में यह मिट्टी, ममता और माँ का महापर्व है। अभी इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अंशु जी का सम्मान। वास्तव में अंशु जी का एक ऑपरेशन हुआ है, उसके बावजूद भी अपनी पूरी शक्ति के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ माँ का पूजा करते हैं। छठ पूजा के लिए पूरा जोर शोर लगाकर हम सभी व्यक्ति जो यहाँ पर आए हुए हैं, प्रत्येक व्यक्ति की कामना है, प्रत्येक व्यक्ति के का आशीर्वाद है कि वह जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ पुनः जनसेवा में जुड़ जाएं, क्योंकि यह जो क्षेत्र है पार्टी पॉलिटिक्स जाति से उठकर केवल पूजा और श्रद्धा का क्षेत्र है। अंशु जी आप कुछ बातचीत करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज ये आस्था का लोक महापर्व छठ पूजा जो वैदिक काल से चला रहा है, जिसमें किसी पंडित, किसी मंत्र और किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। उदयाचलगामी और अस्ताचलगामी भगवान भास्कर की पूजा की जाती है। यह प्रकृति का पर्व है और प्रकृति में उत्पन्न सारे पदार्थों से ही किया जाता है इस पूजा को। इसलिए मैं इस पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और अभिनंदन करता हूं छठ व्रतियों का, जिन्होंने इस निर्जला उपवास को करने का साहस प्राप्त किया। छठी मैया उनकी सारी मनोकामना को पूर्ण करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
अद्भुत कार्यक्रम सम्मान की यह श्रृंखला टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। मैम आप कुछ शब्द बोलेंगी? छठी मैया की जय। छठ एक ऐसा त्योहार हुआ कि एक सबसे बड़ा खासियत ही है कि यहाँ पे दुनिया उगते हुए सूर्य के जल देला, सबसे पहले यहाँ पे डूबते हुए सूर्य के जल देवल जाला। एक व्रत के सबसे बड़ा ये खासियत है। आगे भी यहाँ पे बहुत सुंदर आयोजन कैल गए बाटा। दो तीन साल पहले बहुत कम लोग आवत रहे और आप देख सकेली कितना भीड़ बाटा है। और हमारे शब्द बहुत कुछ बा कहे के लेकिन समय के अभाव बाटे। जय छठी मैया। धन्य मैम, धन्यवाद मैम। एक बड़ी ही खूबसूरत कविता। इस श्रृंखला को बढ़ाते हुए अब हम यहाँ पर जो छठ व्रती हैं, जो भी माता बहने हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा। उन्हें कैसा लग रहा है? वास्तव में जो भी यहाँ पर हैं, कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति के दिल में बिहार छुपा हुआ है। वह बिहार का दर्द, वह गांव का दर्द, वह मिट्टी की दर्द कैसे उनके ओंठों पे आती है, अब हम इनसे बातचीत करते हैं और वही दर्द को महसूस करने का प्रयास करते हैं। क्या प्रेम, क्या अपनापन, क्या भाईचारा, सब कुछ इनके दो शब्दों में निहित है। मैम आप कुछ बताएंगी? आप कहाँ की हैं और कैसा लग रहा है? मैं बिहार की रहने वाली हूँ और यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ बहुत अच्छा लगा यहाँ का रहन सहन, ये बहुत उत्सुक वाला चीज़ है, सबको करना चाहिए। लेकिन मुझे बिहार से रहने वाली इधर आके, हाँ बहुत अच्छा लगा। मैम कैसा लग रहा है अपना घर और यहाँ के बीच का अंतर? बहुत अंतर है, मेरे गांव में भी इससे भी अच्छा होता है और इधर उससे भी अच्छा है। बहुत ही खूबसूरत। चंचल इधर से, इधर से, इधर इधर अरे बेटा अब आपसे बातचीत करो, आप भी बातचीत करो। अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कुछ और बहने, उनसे बातचीत करता हूँ कि वास्तव में उन्हें कैसा लग रहा है अपना वो मैके की याद, अपना वो भाई जी भतीजा माँ बहन, वो याद आ रही है या नहीं, या फिर यहाँ की शोर में गुम हो गई। मैम प्लीज। देखिए हम बिहार आरा से हैं और हमारे आरा में जो है छठ पूजा बिहार का जो है वो मतलब कि बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। तो अब यहाँ उसके तुलना में अगर यहाँ देखा जाए तो बहुत कम है, क्योंकि हम दूसरा एरिया से आए हैं। और मतलब आपको बोलने बोली बोली बोलिए, काफी खूबसूरत बोल रही है। तो हमारे घर में भी हो रहा है, लेकिन अब जैसे कि जगह चेंज हो गया है तो यहाँ के अकॉर्डिंग मतलब कि होता है ना कि यहाँ। बहुत ही खूबसूरत। कहने का तात्पर्य कहीं ना कहीं आपके दिल में वो आरा का प्रेम, वो भाई, वो बचपना कहीं ना कहीं याद आ रही है। एकदम उसके जैसा बिहार की तुलना में दूसरा अगर राज्य में देखा जाए तो बहुत कम ये होता है, सेलिब्रेट किया जाता है। वास्तव में बिहार की वो भूमि को नमन जहाँ से इस उगते हुए सूर्य की पूजा आरंभ हुई। वास्तव में हम आज डूबते हुए सूर्य की पूजा करते हैं। वास्तव में दिशा कोई माने नहीं रखता, सूर्य डूबे या उगे हमारे लिए सूर्य है। प्राचीन काल में भागलपुर जो कि अंगदेश के रूप में जाना जाता था, जहां के राजा कर्ण थे, उन्होंने ही कर्ण ने ही भी सूर्य पूजा किया था। और आज अगर सूर्य पूजा अगर हम आप करते हैं तो हम में भी कहीं ना कहीं वह कर्ण का वास है, अतः हम कहीं ना कहीं उस कर्ण के ही भाई हैं। मैम आप कुछ बातचीत करना चाह रही थी?
मैं पूजा पांडे बात कर रही हूँ। मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह आस्था और धर्म का प्रतीक छठ पूजा है, जिस तरह सूर्य उगते हुए सूर्य और अस्त होते हुए सूर्य को हम अर्घ देते हैं, इसी तरह हमारी जो जनता है वो भी ऐसे ही उगती रहे, हमारा भारत ऐसे ही आगे प्रगति करे। बिहार का पर्व है लेकिन वो पर्व पूरे देश में इतने हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस तरह से हम जानते हैं कि हमारा देश कहीं ना कहीं अनेकता में भी एकता का प्रतीक है। इस एकता की प्रतीक को जाहिर करते हुए मैं एक बार सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। एक छठ का गीत गाइए। दो लाइन ए तो क्या होला ना धन्यवाद आते हैं ना प्लीज पूरा गाओ। एक काम कीजिए वहां पे बैठ के और वहां से ये कीजिए। धीरे-धीरे लोग संध्या का अर्क देने के बाद अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। कितना अद्भुत दृश्य, कितना अद्वितीय दृश्य, अपनापन प्रेम सौहार्द का बेहतरीन प्रदर्शन। हर के अंदर केवल अपनापन प्रेम श्रद्धा, हर व्यक्ति एक दूसरे को सहयोग करते हुए साथ ही हाथ बढ़ाना, स्वच्छता का पूरा ख्याल, हर तरफ सौहार्दपूर्ण वातावरण, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक बहन जो अभी अपने सामने आई है, जो चाहती है अपने संगीत के द्वारा भगवान को श्रद्धा सुमन चढ़ाना, आइए मिलते हैं इस बहन से। आपका नाम? शांता त्रिपाठी। प्लीज। केलवा के पात पर गेलन सूरज मल झाकी झुकी, एकरेलो छठ बरतिया तू धापी धूपी, एकरेलो छठ बरतिया तू धापी धूपी। हम तो से पूछी बरतिया ए बरतिया तू केकरा खातिर, एकरेलो छठी बरतिया तू केकरा खातिर, एकरेलो छठी बरतिया तू केकरा खातिर। हमरो जे बाड़े मालिक ऐसन स्वामी हो उनके खातिर, एकरेला छठी बरतिया हो उनके लागी, एकरेला छठी बरतिया हो उनके लागी। धन्यवाद मैन, काफी खूबसूरत दो दो गाना, गाने के दो शब्द आपके शब्दों में। कांच के पास के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। शशिकांत बाबू का हरिया दौरा घाटे पहुंचाए, दौरा घाट पर जाए। धीरे धीरे सूर्य अस्त की ओर बढ़ता जा रहा है और उसके साथ ही साथ प्रत्येक व्यक्ति अर्घ चढ़ाने के बाद धीरे धीरे अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, उसी ऊर्जा के साथ कि घर पे जाने के बाद पुनः इनकी पूजन होगी और सुबह में अपनी पूरी ऊर्जा के साथ इस घाट पर पहुंचेंगे और वहां से आरंभ होगा सूर्य उदय का सुबह का अर्घ।
जय छठी मैया, छठी मैया की जय। हैप्पी छठ पर आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। यह छठ पूजा हमारा एक भोजपुरी सांस्कृतिक समारोह में अभी यहाँ सब कोई और साथ में आए हैं, इसके लिए धन्यवाद। जय छठी भैया। आज मैं जो अक्सर बातचीत करता हूँ छठ पूजा के बारे में, अगर आप देखोगे तो यहाँ कुछ भी ऐसी चीज नहीं होती। प्रकृति से जुड़ा हुआ प्रत्येक चीज, चाहे वो फूल हो या फिर मिट्टी, ऐसी कोई भी चीज नहीं जिसे आप कह सकते हैं प्रदूषित करता हुआ। कितना खूबसूरत दीपों की माला, फूलों की माला, एक भी पन्नी नहीं, एक भी पोलोथिन नहीं। पूजा के साथ साथ साफ सफाई की पूरी व्यवस्था। अद्भुत, अद्वितीय। प्रत्येक व्यक्ति दीप को जलाकर इस आशा के साथ गए कि पुनः कल पूरी ऊर्जा के साथ हम फिर मिलेंगे, फिर जुड़ेंगे। और अब धीरे धीरे प्रत्येक व्यक्ति अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अद्भुत दृश्य, अपनापन, प्रेम, श्रद्धा के साथ इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं एक सर से बातचीत कर रहा हूँ। प्लीज सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अशोक कुमार यादव, ये छठ पर्व पे सभी ये भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनको शुभकामनाएं देता हूँ। आपका यहाँ पे जो व्यवस्था थी देख करके हमें बहुत खुशी हुई है, क्योंकि पिछली बार जो हम आए थे उससे और इस बार में बहुत का अंतर हमें दिखाई दिया। सुरक्षा के तौर पे, सफाई के जगह पे, आपने हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज किया है और टॉयलेट का भी यहाँ पे पीछे बंदोबस्त किया, जो कि बहुत ही एक मोदी जी का संकल्प आपने आगे लिया है, इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई, धन्यवाद। और आप सर, वास्तव में आप लोग के द्वारा दिए गए सुधार के बिंदु को देखते हुए प्रत्येक वर्ष एक नई व्यवस्था की शुरुआत की जाती है। वास्तव में आपके द्वारा दिया गया प्रत्येक शब्द कहीं ना कहीं हमें यह पुरस्कृत कर रहा है कि हमारे द्वारा किया गया कार्य कहीं ना कहीं एक चरम, एक ऊंचाई की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मेरा पूरा विश्वास है अगले बार जब आप हम इस घाट पर मिलेंगे तो एक अद्वितीय और इससे ज्यादा सुरक्षा के साथ आपके साथ मिलेंगे। बहुत बहुत सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। हम सबके तरफ से छठ के हार्दिक शुभकामनाएं और यहाँ बहुत खुशी हुई। सबका मनोकामनाएं सच में पूरा करे, जो मन में आशा है उसको सबको पूर्ण करे, पूर्ण रूप से। थैंक यू। बड़ा ही खूबसूरत लगता है जब कोई भी व्यक्ति आपके द्वारा किए गए कार्यों का बतलाते हैं, किस तरह से यहाँ उद्गम से आरंभ होकर दो या चार व्यक्तियों से आरंभ होते हुए आज सैकड़ों की संख्या में लोगों ने आकर यहाँ अपना संध्या अर्क दिया और प्रत्येक व्यक्ति को सराहना किया। क्या नगर पालिका, क्या लोग, प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी श्रद्धा सुमन, अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ अपनापन, प्रेम, साफ सफाई, वास्तव में यही कारण ही इसे कहते हैं माता भूमि, जमीन, मिट्टी और ममता का महापर्व छठ पर्व। वास्तव में ये हम अभी तलेगांव पुणे में हैं, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कहीं ना कहीं हम बिहार में हैं। अद्भुत, अद्वितीय, अविश्वसनीय, अकल्पनीय संध्या अर्क पूजा के इस
छटा के साथ। कल पुनः हम लोग मिलेंगे इसी ऊर्जा, इसी ताकत, इसी स्फूर्ति के साथ सुबह के अर्क में। धन्यवाद सर। अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी कुछ बहनों के साथ बातचीत कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं अपने अंदर वो बिहार की खुशबू, वो बिहार की शब्द, वो बिहार का दर्द, वो अपनापन, वो प्रेम जो अपने अंदर छुपा रखी है, क्या मातृत्व, हर के अंदर एक नया बिहार है। आइए माटी, माँ और ममता के इस महापर्व में इन बहनों के साथ चंद खूबसूरत यादों को ताजा करते हुए। मैम प्लीज। हमारी सबकी तरफ से आप सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग यहाँ, ये जो दीदी हैं, इन्होंने ऑर्गेनाइज़ कराया है, सबने मिलके, बहुत ही सुंदर त्यौहार है। हम लोग आए हैं, मेरे भी जो सासू माँ हैं वो बिहार से हैं, तो उसके तरीके से मुझे पता है। तो आज जो हम आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, उसके लिए हम लोग एक्चुअली में विश कर रहे हैं कि वो छठ माता हमारा वो मैच जितवा दे पूरे देश के लिए। हम लोग पूरे देश की तरफ से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि इंडिया जीत जाए, तो छठ माता इंडिया को जितवा दीजिए। आइए आंटी बोलिए। वास्तव में कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो भारतीयता, वो देश प्रेम कहीं ना कहीं उछलता हुआ नजर आता है। लेकिन इंडिया भारत माता की जय, गूंजती हुई ये शब्द। मैम आप कुछ बोलेंगी? मैं तो बिहार से नहीं हूँ, मैं एमपी से हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम ये देखा छठ माता का, इससे पहले मैंने कभी भी नहीं देखा था। मगर मुझे छाया, ये सारे लोगों ने बोला नहीं आना है आना है, मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था तो भी मैं आई, और मैं यहाँ आके एकदम ही खुश हो गई। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। आने वाले हैं सुबह भी आएंगे, सुबह भी जब उसका सूर्योदय का जो अर्घ होगा उसके लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे। आप लोगों से बता देती हूँ, जब द्रौपदी का चीर हनन हुआ था तो उन्होंने प्रतिज्ञा किया था, हे छठी मैया, जिस दिन हम मतलब ये कौरव को मतलब परास्त कर दूंगी, उस दिन मैं आपका व्रत करूंगी। उनका युद्ध चल रहा था, बहुत ही कठिन व्रत दिखा रहा था और हाँ, और ये जो कहते हैं ना छठी मैया, ये सूर्य भगवान की ये बहन है, बहन है, इसलिए मैया बोला जाता है, छठी मैया बोला जाता है। और टीवी पे भी है, और छठी मैया से कुछ भी आप मांगेंगे वो आपका पूरा जरूर होता है। पूरा सबसे सुना है, मेरी सासू माँ पक्का होता है, पक्का। आंटी अगर मांगो ना, कहते हैं पूरा होता है, पूरा होता है। और मेरे पास आप लोगों को ये दो तीन उदाहरण दिखा, खुद ही बताए, बिल्कुल बिल्कुल। ये आप तीन कोरोना के बाद जब मैं यहाँ पे आई तो मैं छठी मैया खोज रही थी, कोई पूजा करते हुए मुझे मिल जाता, थोड़ा सा मुझे दर्शन मिल जाता, मैं थोड़ा सा मेरा पूरा हो जाता। ऐसे हम करते नहीं लेकिन मानते बहुत है तो हम गोरखपुर से है, लेकिन शुरू से बचपन से हम देखते हुए आए, इसे मेरे अंदर बहुत श्रद्धा है। और मेरे छठी मैया ने दो तीन काम मेरा पूरा भी किया है, और आज मैं इतना भीड़ देख रही हूँ, मैं सच में मेरे पास कब शब्द नहीं है, मुझे आंखों में आंसू आ जा रहा है बताने के। भगवान से सब, छठी मैया की इतना बड़ा कृपा है कि सिर्फ तीन औरत बैठ के हमने यहाँ पे छठी मैया पूजा किए थे, आज इतना बड़ा है। और मुझे लगता है, मुझे एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि जो भाई बहन हमारी भाभियाँ लोग जो भी होती हैं, ट्रेन पे ठूस ठूस के जाती हैं त्यौहार मनाने के लिए, फिर बेचारी कैसे आती हैं, मुझे लगता है कि अब उनको ये कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। सब छठी मैया की जय, छठी मैया की जय। बहुत ही खूबसूरत शब्दों के साथ आपने जो छठ मैया का गुणगान गाया है, पंडित से बातचीत करते। वास्तव में ये आपने एक शब्द का प्रयोग किया कि यह मैं तो पूजा नहीं करती, वास्तव में यह एक ऐसा पर्व है जिसमें जो पूजा करते हैं उन्हें तो फल की प्राप्ति होती ही है, साथ ही साथ जो भी व्यक्ति इस पर्व में पूजा करने वाले का साथ निभा लेते हैं उन्हें भी वही पुण्य की प्राप्ति होती है। यह अद्भुत, आप अगर किसी भी देवी देवता या भगवान की पूजा करें तो शायद वह दर्शन देंगे या नहीं देंगे यह कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कलयुग में और इस पृथ्वी पर एक ऐसा यही पर्व है जिसमें भगवान साक्षात सुबह और शाम को पूजा के समय दर्शन देते हैं। वास्तव में हमारी ये जो सभ्यता और संस्कृति है, हम शाम में संध्या डूबते हुए सूर्य की पूजा करते हैं इस विश्वास के साथ कि कल पुनः सूर्य उदय होगा। कहने का तात्पर्य इसके अंदर की फिलॉसफी है कि यदि कोई भी व्यक्ति गिरता है
तो वह हमेशा के लिए नहीं गिरता, कल जरूर उठेगा। साथ ही साथ हमारे लिए सूर्य का इम्पोर्टेंस है, न कि दिशा का इम्पोर्टेंस है, किस ओर डूबते हैं। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण जो बन ने मुझे बताया, जो इसके उत्पत्ति और पूजा के बारे में अलग अलग पुराणों में ग्रंथों में अलग अलग जिक्र है, लेकिन कुछ जिक्र जो है द्रौपदी के साथ है, तो कुछ जिक्र भगवान राम सीता के साथ है। सीता जब आई थी अयोध्या में, तो आने के बाद दीपावली मनाया गया, और उसी दीपावली के 6 दिन के बाद यह छठ पूजा का आयोजन किया गया। और महाभारत में एक द्रौपदी का जिक्र आता है, तो दूसरी तरफ अगर कर्ण की बात न करूं तो कहीं ना कहीं यह बेईमानी होगी, क्योंकि यह कर्ण का भी सूर्य के साथ एक अमोघ रिश्ता था, पिता पुत्र का रिश्ता था। और जब कर्ण सूर्य की उपासना करते हैं, संध्या पूजा करते हैं, संध्या उपासना करते हैं, और हम भी कहीं ना कहीं सूर्य की उपासना करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कर्ण और हम में भी वह भ्रातृत्व की भावना है, या कह सकते हैं कि हम में भी वह कर्ण है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी वह संघर्ष है, जो कभी हमारे पास योग्यता क्षमता समर्था होने के बावजूद भी किसी भी प्रतिज्ञावश या फिर किसी शब्द के कारण हम झुक जाते हैं। याद रखें, यदि कभी आपकी योग्यता क्षमता और समर्थता के साथ वह सफलता नहीं मिलती है, और आपके पास वाले आपकी सफलता के लिए, आपके सफलता को पीछा करने के लिए मेहनत नहीं षड्यंत्र का काम करना आरंभ कर दे, तो आप समझना जो आप एक सफल व्यक्ति हो। और हम में और आप में भी कर्ण का निवास है, और उसी कर्ण के निवास होने के कारण हम सब सूर्य पुत्र हैं, और कल इसी पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी योग्यता क्षमता समर्थता और पूरे बल के साथ पुनः उगते हुए सूर्य की अर्घ के लिए हम लोग उपस्थित होंगे। जय अद्भुत अद्वितीय, बड़ा ही खूबसूरत भजन। भजन एक ऐसा श्रद्धा सुमन है जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर से शब्दों का रूप लेकर सीधे भगवान तक जाता है। तो आइए हम अपने ही इस बहन के साथ इस श्रद्धा के, मैम आपके चेहरे पर काफी चमक लग रही है, आप कुछ बोलना चाह रही हैं क्या? हाँ मैम, हाँ आप में वास्तव में आप जिस शब्द में भी भजन गाएंगी वो भगवान तक जाएगा, क्योंकि प्रेम अपनापन भावना का कोई शब्द नहीं होता, वो तो बस एक उछाल होती है जो दिल से निकलती है और दिल को चीरते हुए अंदर चली जाती है। इसी भावना के साथ मैं आपके साथ कुछ शब्दों का आग्रह करता हूँ, प्लीज। छठ मैया की जय, प्रेम से बोलो जय छठ मैया, प्रेम से बोलो जय छठ मैया, सारे ही बोलो जय छठ मैया, अगले भी बोलो जय छठ मैया, पिछले भी बोलो जय छठ मैया, जरा हाथ भी खोलो जय छठ मैया, छठ मैया नहीं सुनिया जय छठ मैया, आवाज नहीं आई जय छठ मैया, प्रेम से बोलो जय छठ मैया, आते भी बोलो जय छठ मैया, अरे जाते भी बोलो जय छठ मैया, अरे गुंगा बोले जय छठ मैया, अरे बहरा बोले जय छठ मैया, अरे छठ मैया कुछ ना लेवे जय छठ मैया, वो सब कुछ देवे जय छठ मैया, वो अंतन देवे जय छठ मैया, वो दूध पुत देवे जय छठ मैया, वो झोलियां भरती जय छठ मैया, वो भरे भंडारे छठ मैया, छठ मैया सबनु उतारे जय छठ मैया, जयकारा छठ मैया का, बोल संजय दरबार की जय। अरे आंटी सच में अद्भुत अद्वितीय, और इन्हीं शब्दों के साथ आज संध्या अर्घ का यह कार्यक्रम समाप्त होता है। कल सुबह पुनः आप लोगों के साथ पुनः इसी ऊर्जा के साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद।